हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा की क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो डिज़ाइन लेकर आई हूँ, ये आप शॉल, स्टॉल, स्वेटर, कार्डिगन किसी पर भी बना सकते हैं। इसको हम देखिए बेबी वूल में बना रहे हैं और 10 नंबर के क्रोशिये से इसको हम बनाएंगे। इसके लिए हमने 4 के मल्टीपल से चेन लेने हैं, 4 4 4 ऐसे करके। हम पहले एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद अब हम 4 के मल्टीपल से चेन्स लेंगे। चेन्स आप लूज ही बनाएं। ये हमने 16 चेन्स लिए हैं। अब हम 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 और 3। ये तीनों चेनों को स्किप करके अब हम ये चौथी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर चेन में ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी बेस रो बन गई। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, और इसको पलट लेंगे। अब हम ये वाली चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाली में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 2, फिर नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 3, फिर नेक्स्ट वाले में 4 और नेक्स्ट वाले में 5। ये हमने ये 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 और 4। 4 चेन्स बनाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। ऐसे पलट कर हमने ये 1 2 3 चेन्स को छोड़ के ये चौथी वाली में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2, इसको हम पलट लेंगे। अब हम ये वाली जगह पर अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 और 6। अब हम ये यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4। अब हम 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 और 4। अब इसको हम पलट लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, हमने ये वाली जगह पर यहाँ से ऐसे क्रोशिये को लेना है। आपको फिर से बता देती हूँ, हमने ये वाली जगह पर ऐसे क्रोशिये को नीचे से लेकर अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2,
और इसको पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम यहां पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और 4। अब हम 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 और 4, इसको पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐसे क्रोशे की हुक को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको बंद कर देंगे। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम एंड में आ गए, हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी पहली रो बनकर तैयार हो गई। अब हम ये दूसरी रो बनाएंगे, तो ये हम 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बना के हम इसको पलट लेंगे। अब हमने देखिए यहाँ से बुनाई करना है, ये वाली जगह पर, ये हमारा 1 हो गया। अब ये नेक्स्ट, यहाँ से हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने ये वाली चेन्स में से 1 2 3 और 4, यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशियाज बनाएंगे और ये वाली चेन्स में बनाएंगे 1 2 3 4। तो हमने इसको ऐसे, ये फर्स्ट वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया 1, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाया 2, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाया 3, और हमने ये देखिए यहाँ पर ये वाली जगह पर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे 4 डबल क्रोशियाज हो गए। अब हमने फिर ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2, फिर नेक्स्ट चेन में 3, फिर नेक्स्ट चेन में 4। ऐसे अब हमने यहाँ पर बनाना है, एक, दो, तीन और 4। अब हम एंड में आ गए। अब हमने यहाँ पर ये देखिए ये वाली जगह पर डबल क्रोशिया बनाना है, और एक हमने हाथ से डबल क्रोशिया बनाकर इसको बंद कर देना। ये देखिए ये हमारे 16 के 16 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे।
अब हम ये पहली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम देखिए हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी तीसरी रो है। अब हम एंड में आ गए। अब हम यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको बंद कर देंगे। अब हम तीन चेन्स बनाएंगे, एक दो और तीन। इसको हम पलट लेंगे। ये पहली वाली चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हम दो चेन्स बनाएंगे और इसको हम पलट लेंगे। अब हम देखिए ये नेक्स्ट वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे दो, फिर नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाया चार, फिर नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पाँच। अब हम चार चेन्स बनाएंगे और इसको हम पलट लेंगे। हमने एक दो तीन, ये चौथी वाली में हम ऐसे लेकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम दो चेन्स बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर छः डबल क्रोशियाज बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब हमने जैसे ये पहली रो बनाई थी सेम वैसे बनानी है। अब हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 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 हम चार चेन्स बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम दो चेन्स बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब हम ये वाली जगह पर छः डबल क्रोशियाज बनाएंगे। देखिए ऐसे ही ये हम चार रोज को बार बार रिपीट करेंगे और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता जाएगा। ऐसे ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।